नमस्कार, मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा की टीम आ पहुंची है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में सदर ये सीट है और राम मंदिर की लड़ाई और मोदी लहर, न जाने क्या क्या देखा है इस सीट ने, लेकिन वर्चस्व रहा है तो सिर्फ भगवा का। अब आगामी 2022 विधानसभा के लिए लोगों का मूड क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है, जिस तरह रेलवे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नए नए यूनिवर्सिटियों का खुलना, फिर गोरखनाथ मंदिर की हर एक विकसित करना, हर एक क्षेत्र से योगी जी का पूरा सहयोग रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के क्षेत्र में। गोरखपुरिया लोग मूड क्या बना रहे हैं, जब 4.5 साल बीत गया है योगी कार्यकाल का, मूड क्या कहता है? मैं गोरखपुर चेंज हो गया है, पहले से समझ लीजिए कि 90% हर रोड और सब चौड़े हो गए हैं, नाली बनी है, लाइट का व्यवस्था सुधर गया है। अब पहले लाइट भी बहुत कभी कभी लाइट बहुत दिनों तक नहीं रहता था, अभी लाइट वाइट तुरंत कटता है, आ भी जाता है अगर कभी कोई दिक्कत होता है। वापस से योगी जी मूड बना लिए हैं पूरा, योगी जी विकास या फिर पुराने बोले? नहीं, विकास भी, और जो है कि उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश को लाना नहीं है, वो काम अच्छा नहीं हो रहा, हर लैपटॉपे बांटते रह जाते हैं। अपना जो शहर बना तो रहे, फिर हवाई अड्डा बनाया है, नौका विहार बनाया है और भी सड़कें बना रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं हमारे योगी जी। नहीं, विकास तो हुआ मैडम, बहुत हुआ विकास योगी जी हमारे, विकास जब से आए तब से बहुत बढ़िया हुआ, जितनी क्राइम थी कम हो गई। योगी यार भाजपा, हाँ कैसे पता? कैसे बताया यार? सब नेता लोग बतिया रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, हा? इस तरह नहीं। क्या लग रहा है, वजह क्या है? लग तो रहा है भाजपा का फायदा आएगा, विकास की वजह से योगी जी आएंगे। कैसे पता? अरे योगी इतना अच्छा काम किए हुए है, पुराने वोटर हैं इसलिए कि काम नहीं है? नहीं, पुराने वोटर की बात नहीं है, उनका तो काम दिख रहा है, तो चारों तो हर जगह काम ही काम उनका दिख रहा है, कोई है। बस यही है, महंगाई है थोड़ा सा, उसी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बाकी तो सब कुछ काम हो ही रहा है, सड़क सफाई, साफ सफाई सड़क, और उसके बाद ये जो पार्क बन गया नौका विहार, घूमने फिरने का एक अच्छा सा हब बन गया है, बाकी मतलब अच्छे स्तर पर काम का हो रहा है। गोरखपुर में अब की बार 2022 में योगी सरकार आएगी जी, क्योंकि विकास आप देख लीजिए, पहली बार तो इसके पहले सपा की गवर्नमेंट आई थी, देख लीजिए ये आपका सड़क की जितने भी कार्य हैं फोर लेन के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे पूर्वांचल में कहीं भी देख लीजिए, एम्स का निर्माण हो गया आपका, देवरिया में BRD मेडिकल कॉलेज बन गया, नौका विहार में देख लीजिए आप, या पार्किंग, ये आपका पर्यटन स्थल बन गया, चिड़ियाघर बन गया, और क्या विकास चाहिए, रोजगार मिल रहा है, सब लोग सेल्फ डिपेंड हैं, मोदी जी ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस, अपना स्वयं करिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जब आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, 22.6% यहाँ पर शहरी आबादी वाले इलाके देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ भी है 474 के करीब, आबादी भी है 4 करोड़ से अधिक। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पोलिंग बूथ के लिहाज से नहीं, यहाँ गढ़ कहा जाता है गुरु गोरक्षनाथ पीठ का, और इसके पीठाधीश्वर है सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उनके सीएम बनने से पहले से भी ये सीट मानी जाती है गुरु गोरक्षनाथ पीठ की, और इसी वजह से पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर जरूर टिकी रहती है। बदलाव योगी सर किए हैं, जैसे बहुत यहाँ गोरखपुर में जितनी माहौल खराब था उतनी अच्छी बन गई है। अच्छा, बहुत अच्छी बन गई। क्या क्या मिला है, मतलब अंतर महसूस हुआ कि यहाँ रोड बढ़िया मिला है, सफाई हो रहा है, सब मिल रहा है, नाली साफ, रोड साफ, सब मिल रहा है यहाँ पे। खुश, बहुत ज्यादा खुश है, मतलब कि योगी सरकार मेरे लिए तो वाकई में बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ पर्सनली, पर्सनली
वजह उनके काम तो आप देख ही रहे गोरखपुर में। वैसे बेटियां कैसे फील करती हैं? बेटियां तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती हैं, जो कि हैं हम लोग। देखिए आज इतनी रात में हम लोग आए हैं शॉपिंग करने, तो है भाई योगी सरकार की बात ही कुछ अलग है। उनकी तो मैं फैन हूँ। मूड क्या है वो आएंगे, इतना तो कन्फर्म है। हम लोग के लिए तो सब कुछ बदलाव है, रोड हुआ चाहे कोई भी काम, हम लोग भी हैं रात बिरात कहीं भी जाइए ये कोई टेंशन नहीं है। मतलब उनके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा, हम लोग फैन हैं उनके। गोरखपुर वाले अच्छा महसूस कर रहे हैं, योगी जी ही आएंगे एकदम। मतलब कैसे लगता है, क्या क्या देखिए ऐसा बदलाव? सब कुछ अच्छा है, पहले से जो हम लोग देखे, हम लोग यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, कॉलोनी हुआ सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा है। ये सबसे आपका मेन जो है सड़क रोड है, पहले बहुत पतली पतली सड़कें थीं, व्यवस्थाएं नहीं थी, जाम लगता था ट्रैफिक का। अभी जो है आप चले जाइए वहाँ पे असुरन से इधर की तरफ, पहले बहुत पतला था, आप देखी होंगी, अभी लगता कि हाँ हम गोरखपुर में नहीं विदेश में हैं। शानदार कार्य हुआ है विगत 4.5 वर्षों में गोरखपुर में। आप देखिए तो एम्स, खाद कारखाना, और जो वर्षों से आसपास जनपदों में चीनी मिलें बंद पड़ी थी, उन सबको महाराज जी ने खोलने का सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही आज के 4-5 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने गोरखपुर को देखा होगा, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं का विकास, ये शानदार काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जितनी भी तारीफ की जाए मुझे लगता है कि वो कम होगी। 4.5 साल में देखिए मॉल मिला है, अच्छी रोडें मिली हैं, सब जगह व्यवस्था ही व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बट थोड़ा रोजगार को लेके दिक्कत है। हाँ मानिए कब तक सड़कों को देखते रहेंगे, कुछ काम भी तो करना चाहिए। इस 5 साल में जो चेंजिंग आई है वो आदमी सोच भी नहीं सकता था कि गोरखपुर में इस तरह की चेंजिंग कभी आ सकती है। तो गोरखपुर हमारा इस समय बहुत ही अच्छे लेवल पर, और हर एक आदमी आकर खुश है। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, ग्रामीण में भी सब कुछ हो रहा है, और सारा कुछ शहर का ग्रामीण से ही चलता है, और यहाँ सब कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, तभी ना योगी सरकार कर रहा है, तभी ना चल रहा है। मैम बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, जैसे अभी आप मोहद्दीपुर के एरिया को ही देखिए, जहाँ पे इतनी सारे ट्रैफिक्स होते थे, ट्रैफिक का जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी शॉर्ट आउट हुई हैं। बाकी अगर देखा जाए कि टूर एंड ट्रेवल्स की चीज़ें बढ़ी हैं, अभी हम लाइक ओरियन मॉल में खड़े हैं तो यहाँ पर भी बहुत बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए हैं, लाइक KFC एंड डोमिनोज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद लाइव देख रही हैं। जो विधानसभा 2022 का चुनाव है ये विकास के मुद्दों पर है, तो मेरा मानना है कि 5 साल उनको और समय देना चाहिए, और बहुत कम समय में उन्होंने ज़्यादा गोरखपुर का विकास या हर प्रदेशों का विकास उन्होंने किया है, यह तो सत्य है। क्योंकि अब कई पार्टियां हैं लेकिन हम लोग पार्टी पर नहीं जाएंगे, हम विकास पर वोट देंगे। एम्स नहीं था तो एम्स हो गया, ये सारी रोडें सही हो रही हैं, सब कुछ तो बेटर ही हो रहा है, आगे सब लोग साथ दें तो आगे बहुत ही अच्छा हो सकता है गोरखपुर। हम लोग का गोरखपुर बदल गया है, चिड़ियाघर है, ओरियन मॉल है, और भी सब कुछ चेंज हो गया, और मेडिकल के आगे तो पूरा दुबई है समझो। कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग गया, बहुत बदल गया है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर आदमी निकलेगा तो दिल खुश हो जाएगा बाहर निकलने से।